ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஹரிஜானல் பஸ் பார் வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம்னு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து நம்ம சாஜிதீன் சூப்பர்வைசர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அவர் வாசிம் வந்து அவர் கீழே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. ஓகே, எப்படின்னு பார்ப்போம். ऐसे में अभी अपना जो हॉरिजॉन्टल बस बार में हम लोग को कुछ ध्यान रखने का, इसको जो लेवल करने का, अभी ज्वाइंट करने के टाइम पे इसको जो है ना, पहले सबसे पहले हम लोग बस बार को लेवल करेंगे, लेवल दोनों साइड से इसको लेवल करके उसका जो कवर आता है वो कवर को हम लोग पहले खोल लेते हैं। कवर जो है ये हम लोग कवर इसको पहले ही खोल के निकाल लेते हैं, इसमें कवर लगा रहता है। कवर खोलने के बाद में इसका कपलर हम लोग लूज़ करते हैं। कपलर एक साइड से हम लोग को लूज़ किया है और इसका जो है दूसरी साइड हम लोग ने दोनों को लेवल किया। स्पिरिट लेवल से हम लोग इसको लेवल करने के बाद में फिर ये दोनों बस बार को हम लोग ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के टाइम पे हम लोग को एक चीज़ देखने का, इसका जो ये सीक्वेंस है, फेस सीक्वेंस है, सबसे टॉप में जो होता है न्यूट्रल है, उसके नीचे लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री और ये अर्थ है। यही चीज़ दूसरी साइड में भी होना चाहिए। अगर ये पीस अगर उल्टा होगा तो ये जॉइंट नहीं होगा, क्योंकि एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है, उसकी वजह से ये फेस सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अगर ऊपर न्यूट्रल है तो इस साइड में भी न्यूट्रल होना चाहिए। फिर इसको हम लोग लूज़ करके लेवल करके इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के टाइम पर ये एंड से ये एंड तक के 27 सेंटी करेक्ट गैप रहेगा तो इसका जॉइंट बराबर बैठता है। पीस अगर टेढ़ा रहेगा तो ये यहाँ पे गैप करेक्ट नहीं है। फिर ये करने के बाद में हम लोग इसको जॉइंट कर दें। जॉइंट करने के बाद में फिर इसका जो कवर लगता है इसको टॉर्क करना होता है। टॉर्क करके इसको फुल टाइट रखते हैं। टॉर्क कितने पे सेट करते हो? 10 Nm पे उसको सेट करके उसको टाइट करके उसके नीचे हम लोग एक मार्किंग देते हैं ताकि उससे पता चलता है कि ये टॉर्क किया हुआ, तो फिर उसको कवर लगा के उसको जॉइंट करते हैं। कनेक्शन बन रहा था सर, इसको आप थोड़ा जॉइंट करके दिखा दो, ये दोनों चीज़ लेवल है ना। किधर तक डालना? लास्ट तक है। हाँ ओके, कितना टार्क है, कितना एमएम कर रहा आपका टार्क? 10 एमएम। ओके ओके, क्योंकि उससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर बोल्ट टूट जाता है उसका। இடையில ஒரு 2 mm வந்து அது கேப், அது எல்லா இதுலேயும் வந்து இருக்கும். பொறுமையா பேசினேன் அப்படியே சிரிக்கிறதெல்லாம் கிளீனா தெரியுது.